Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm very excited because today result is coming and I am very nervous that how will be my result. And abhi bache morning ke 10 and result coming at 11 AM. So I don't know kya hoga, but bahut zyada hoon nervous. And abhi 1 hour hai result aane pe, to main chahti hoon ki main ek ghanta aapko apni 12th class ki journey bataun. To main थोड़ा नर्वस हो रही हूँ बताने में भी, बट गॉड अब मैं इस बार स्कूल बहुत कम गई अपनी 12th में. इनफैक्ट मैंने तो पढ़ाई भी बहुत कम करी है बिकॉज आई वॉज वेरी सिक. तो बहुत कुछ हो गया था. हम लोग देवभूमि में रहते हैं तो वहाँ पर छल वगैरह लगते, देवी देवता लगते हैं, तो इस टाइप की बीमार हो गई थी मैं. शायद मैं इस वीडियो पर एक्सप्लेन ना कर सकूँ तो होती है बहुत सारी डिजीज, तो मुझे भी हुई तो फिर मैं स्कूल नहीं गई. तो काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रेस रही हूँ इन दिनों पिछले 2022 में. तो मैंने मे भी सितंबर में स्कूल कंटिन्यू जाना स्टार्ट करा था, वो भी मैं बहुत कम जाती थी, हफ्ते में एक या दो बार. तो इस वजह से थोड़ा बहुत पढ़ाई में डिस्टर्ब भी हुआ है. तो मुझे लगता है कि मेरा रिजल्ट शायद अच्छा नहीं होगा, बट जैसा भी होगा मैं उसमें खुद को सेटिस्फाई करूँगी. और सिक हर कोई रहता है बीमार, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आसपास वालों से डिपेंड करता है कि वो हमें कैसे ट्रीट करते हैं. एंड समबडी सेड कि मैं ड्रामा करती हूँ, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी. एंड सम टीचर सपोर्टेड मी, मेरे को सारे टीचर्स ने सपोर्ट नहीं कर रहा. मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि मैं ड्रामा करती हूँ, इस टाइप का बीमारी का कौन ड्रामा करते हैं. तो इस टाइप का हुआ, मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है ये बोलते हुए. और मैं इस हद तक चले गई थी ना, आई ट्राइड टू किल माई सेल्फ एंड द रीज़न वॉज डैट पीपल यूज टू से डैट आई डू ड्रामा. और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी अपनी बीमारी को लेकर कि मतलब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था. और स्कूल भी बड़ी मुश्किल से जाती थी, वहाँ पर एक टीचर थी, मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे बोलने में, लेकिन मैं बता रही हूँ. और मुझे हमेशा कहती थी कि मैं ड्रामा करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा. तो मैंने सोचा मुझे रहना ही क्यों जब किसी को मेरे पे बिलीव नहीं, इस टाइप का हो गया था मुझे. तो मैं सोचती हूँ ना इस बारे में मुझे रोना आता है. तो मैंने पढ़ाई भी करी है, लेकिन मैं पढ़ती कब थी, गैप में पढ़ा मैंने जब पेपरों के बीच में गैप था. एक मेरा केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया क्योंकि उसमें एक ही दिन का गैप था, तो एक दिन में पढ़ना पॉसिबल नहीं है. मैंने नहीं कि वैसे खैर आप लोगों को लग रहा होगा कि इसने पढ़ा नहीं तो बहाने करिए, खैर हाँ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि टाइम था मेरे पास, लेकिन टाइम कम था. जनवरी तक मैं नॉर्मली पूरा ठीक थी, तो जनवरी फरवरी पढ़ा है मैंने. 2 महीने में मैंने पढ़ के एग्जाम दे रखी, लेकिन इन 2 महीने में मैंने अपना 100% दे गए हैं. हालांकि मुझे लगता है मे भी रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, 90% आएंगे, लेकिन इतना भरोसा भी है कि शायद पास तो मैं हो जाऊँगी. तो मुझे बस लाइफ में पास होना था. मैंने बहुत ज़्यादा खुद को संभाला है, मैंने खुद को ठीक करा है, और मेरी फैमिली ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है. मेरी दीदी लोगों ने, मेरी मम्मी पापा, और ये लोग पता मेरे को क्या बोलते थे, पापा सिर्फ 36% चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए. वो बोलते थे पहले खुद को ठीक कर, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पहले नेक्स्ट ईयर दे देना. एक बार मैं सोच भी रही थी कि मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम देती हूँ, फिर कहा टीचर्स ने मम्मी लोगों ने कि नहीं ट्राई तो कर ले, तो फिर मैंने तब दिए हैं पेपर. बट नाउ मैं बहुत अच्छी हूँ. कभी कभी थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, बाकी मैं अब नॉर्मली, मुझे कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ. और फिलहाल अभी रिजल्ट का वेट करते हैं. और जैसे मेरे काफ़ी दोस्त थे 9th 10th 11th में, तो मैं उनके लिए भी कहूँगी कि वो भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि जैसे ना जब मैं बीमार हुई तो मेरे से कोई बात नहीं करते थे मेरे दोस्त लोग. मतलब दोस्ती यारी अच्छी नहीं होती है, मैं सच बताऊँ तो. इनफैक्ट मेरे से उन दोस्तों ने बात करी जो मुझे कभी नहीं जानते थे, मतलब जिन्होंने मेरे साथ कभी पहले बात नहीं करी थी, उन लोगों ने मेरे से बात करी उस टाइम पर. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज वही मेरे दोस्त हैं. मैं उनको अपना दोस्त मानती हूँ. और आज सारी टीचर्स को लगभग लगता था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ,
मतलब लेकिन प्रिंसिपल सर थे जो मुझे हमेशा कहते थे अभी भी पढ़ सकती है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे तो मुझे अच्छा लगता था। और हमारी क्लास टीचर हैं, टीचर सब वो बहुत अच्छे हैं, तो टीचर्स भी एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, लेकिन जो भी मेरे सब्जेक्ट के टीचर थे वो सारे अच्छे थे, वो मैथ्स के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, किसी के भी हो, बहुत अच्छे टीचर मुझे मिले सब्जेक्ट के टीचर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हीं के सपोर्ट से मैं पेपर दे पाई हूँ, अदरवाइज मैं पेपर नहीं देने वाली थी। तो इस टाइप की मेरी पूरी कहानी थी। कहानी तो खैर बहुत लंबी है, मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताया, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और फिलहाल 11 बजे का वेट करते हैं और मिलती हूँ आपको मेरे रिजल्ट आने के बाद। और वेब ओपन नहीं हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रही है, क्या होगा, मुझे ना धक धक हो रही है, पता नहीं मैं पास होंगी ही नहीं, वो हर किसी को रहता है ना डर, तो मुझे बस पास होना है फिलहाल, तो देखते हैं कब खुलती है, फिर आपको रिजल्ट बताती हूँ मैं। गाइस फाइनली मेरा रिजल्ट आ चुका है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कितने आएंगे करके, और अब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ ऐसे, क्योंकि उतने अच्छे मार्क्स नहीं है। तो हिंदी में है मेरे 84 है 100 में से बता रही हूँ, और इंग्लिश में 72, फिजिक्स में मेरे बहुत कम आए 60, और केमिस्ट्री में 79 है। और मैं कह रही थी मेरा केमिस्ट्री सबसे गंदा गया, उसी में ठीक ठाक नंबर आए हैं, और मैथ्स में भी ज़्यादा नहीं है 74 है। तो मैंने टोटल परसेंटेज निकाले तो 74% आ रहे हैं, तो मेरे 74% बने हैं, तो ठीक है। वैसे पढ़ाई के हिसाब से तो नॉर्मल परसेंटेज आ रखे हैं, और अभी फैमिली भी नहीं है मेरी, सब लोग इधर उधर गए हुए हैं, तो उनका रिएक्शन आई होप उससे खुश होंगे सब, ऐसा कुछ नहीं था मेरे पे प्रेशर वगैरह, तो मुझे ठीक लग रहा है। आप लोग कमेंट में भी बताइए कि परसेंटेज कितने हैं। तो आप सब लोग मेरे रिजल्ट देखने के लिए मेरे ब्लॉग पे आए हो मैं जानती हूँ, तो फाइनली 74% हैं, और मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, तो इसके बाद मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी थोड़े दिन बाद, अभी तो फ़िलहाल मैं बिजी हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और यूट्यूब फैमिली हमेशा मेरा साथ देती है, आई नो, तो थैंक यू।